अलीगढ़ के रिंकू सिंह ने आईपीएल में असंभव जीत को 5 छक्के जड़कर जो जीत में तब्दील किया उससे देश दुनिया के सभी लोग वाकिफ हैं। अगर कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो गरीबी और अमीरी मायने नहीं रखती। अब अलीगढ़ में रिंकू सिंह गरीब बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए बनवा रहे हैं हॉस्टल। आईपीएल में अपने बल्लेबाजी की धमक दिखा चुके रिंकू सिंह अब अपने जैसे और खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से अलीगढ़ मऊआ खेड़ा स्थित बने स्टेडियम में एक हॉस्टल का निर्माण करा रहे हैं, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। करीब 100 छात्रों की रहने की व्यवस्था इस हॉस्टल में की गई है। रिंकू सिंह का उद्देश्य है कि ऐसे बच्चे जिनके अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है लेकिन गरीबी के कारण वह अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित नहीं कर पाते, उन बच्चों के लिए रिंकू सिंह अब बनेंगे मसीहा। क्या नाम भैया आपका? मुकुल नाम मेरा। मुकुल भाई, रिंकू भैया कौन है आपके? छोटा भाई है मेरा। अच्छा, उनके द्वारा एक हॉस्टल बनाया जा रहा है जो कि अलीगढ़ मऊआ खेड़ा स्टेडियम में मौजूद है, तो किस पर्पज से वो बनाया जा रहा है? वो गरीब बच्चों के लिए बनाया जा रहा है हॉस्टल, जिनके पास कंडीशन थोड़ी खराब है, घर से थोड़े परेशान हैं, उनके लिए बनाया जा रहा है क्रिकेट के लिए। तो उसमें रिंकू भैया क्या प्रशिक्षण देंगे बच्चों को? हाँ, गरीब बच्चों के लिए। तो कब से शुरू हो जाएगा? वो 1-1.5 महीने में शुरू हो जाएगा। तो अभी तक लगभग काम कहाँ तक पहुँच चुका है? होने वाला है, बस एक या डेढ़ महीना लगेगा बस। तो ऐसा मतलब क्या उनके माइंड में ऐसा आया या परिवार से उनको ऐसा मतलब क्या सोच मिली जो गरीब बच्चों के लिए उन्होंने पहल की है? वो उसने गरीबी झेली है, सब कुछ झेला उसने, वो गरीब बच्चों के लिए ये करना चाहता है क्रिकेट में आगे बढ़े यहाँ से अलीगढ़ से। अच्छा, ये हॉस्टल जो बनाया गया है कितने बच्चों की तादाद के लिए? ये 100 बच्चों के लिए। 100 बच्चों के लिए? तो हाँ। किसी प्रकार का कोई शुल्क लिया जाएगा या फ्री रहेगा? फ्री रहेगा वो। तो इसमें परिवार सपोर्ट कर रहा है? आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ।